हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर महेंद्र बघेल आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आपको एक विशेष प्रकार की बीमारी जिसको हम बोलते हैं हाइपोफास्फेटेमिया, वो भेष में बताने जा रहा हूं। ये जो स्क्रीन पे आप जो भेष देख रहे हैं उसका मेरे द्वारा सफल इलाज किया गया है और बहुत ही खराब स्थिति में थी। यह जो भेष देख रहे हैं आप, यह पिछले 6 दिन से हाइपोफास्फेटेमिया से ग्रसित हैं और बहुत सारे लोगों द्वारा विभिन्न प्रकार के इलाज किए गए। लास्ट में मुझे बुलाया गया और मैंने जैसे जाके देखा तो उसको हाइपोफास्फेटेमिया के कारण तो जो यूरिन है वो तो बिल्कुल कॉफी कलर आ ही रहा था, लेकिन उसके जो एनस से गोबर, ये जो लीद गोबर आ रहा था उसमें भी ब्लड आ रहा था। मतलब एक डिसेंट्री टाइप हो गया था बिल्कुल ब्लड। ये ब्लड क्यों हुआ होगा? क्योंकि इसका हीमोग्लोबिन बहुत डाउन हो गया, क्लॉटिंग्स बिल्कुल अंदर नहीं हो रही थी, इसके लिए एनस से भी ब्लडिंग आना चालू हो गई। अब इस स्थिति में पशु बहुत क्रिटिकल स्थिति में पहुंच गया था। फिर इसका जो मैनेजमेंट मेरे द्वारा किया गया, सबसे पहले तो जो क्लॉटिंग्स नहीं रुक रही थी उसके लिए क्लॉटेक्स इंजेक्शन दिया गया और फास्फोरस के इंजेक्शन लगाया गया, करीब 90 ml दिया मैंने, 50 ml तो उसको IV किया और बाकी IM और सब कर दिया गया। 90 ml फास्फोरस यूज किया गया और रूमन जो है मोर्टिलिटी बिल्कुल नहीं थी, तो रूमन मोर्टिलिटी के लिए ट्राइबिवेट इंजेक्शन दिया गया और एविल दिया गया, उस CPM जो इंजेक्शन वो लगाए गए। और उसके बाद हितग्राही को बताया गया कि पशु की हालत बहुत ही गंभीर है, न तो इसको बॉटल लग सकती है न ही हम दूसरा कुछ कर सकते हैं, केवल इसको आप पानी पिलाएं और रखें, कल उसका नेक्स्ट जो प्लान करेंगे। जब दूसरे दिन जाके देखा तो पशु का जो यूरिन था वो काफ़ी चेंज हो चुका था, रेड आ गया था और जो गोबर के साथ जो ब्लड आ रहा था वो बिल्कुल बंद हो गया था, पशु रिकवर हो रहा था। दूसरे दिन मेरे द्वारा उसको 50 ml इंजेक्शन फास्फोरस का दिया गया और रूमेरिक दिया गया और CPM इंजेक्शन लगाया गया और बिल्कुल बाकी कुछ नहीं किया हमने, और पशु जो है वो तीसरे दिन पेशाब बिल्कुल क्लियर हो गई और खाने लग गया और उस प्रकार बहुत ही अच्छा हो गया। पशुपालक बहुत खुश हैं। आप इस प्रकार के केस को बिल्कुल ही आसानी से हैंडल करें, लेकिन ध्यान रहे कि बहुत सारे जो पशु चिकित्सक हैं जो इसके बारे में नहीं जानते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि जैसे इस प्रकार के सीरियस केस मिलते हैं तो सीधे ड्रिप पे जाते हैं, मतलब इसको सेलाइन चढ़ा दो तो इसको आराम आ जाएगा। लेकिन इसमें सेलाइन बिल्कुल नहीं चढ़ाना है। सेलाइन इसलिए नहीं चढ़ाना है कि हीमोग्लोबिन बिल्कुल इस पशु का डाउन हो जाता है इस प्रकार के केस में, और हीमोग्लोबिन डाउन हो जाता तो आप अगर ड्रिप्स चढ़ा दोगे, कोई भी सेलाइन लगाओगे, तो उसका जो हीमोग्लोबिन और डाउन हो जाएगा, और हीमोग्लोबिन अगर बहुत ज़्यादा डाउन हो गया तो पशु के जो ऑर्गन है वो फेल हो जाएंगे और पशु का लास्ट डेथ हो जाएगी। धन्यवाद।